बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ। एक्टर का रियल नेम राजकुमार यादव है। राजकुमार राव के पिता सत्यपाल यादव सरकारी कर्मचारी थे और माँ कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। एक्टर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसीलिए वो स्कूल में प्ले में भाग भी लिया करते थे। पढ़ाई के दौरान ही राजकुमार राव ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक्टर मनोज बाजपेयी को देखकर राजकुमार राव ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में राजकुमार दिल्ली में प्ले में काम करने के लिए गुरुग्राम से साइकिल पर आते थे। जब करियर की शुरुआत में राजकुमार राव को सफलता नहीं मिली तो उनकी माँ ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। अपनी माँ के कहने पर राजकुमार ने अपने नाम की स्पेलिंग बदल दिए और राजकुमार राव की जगह राजकुमार राव लिखने लगे। फिल्मी करियर की बात करें तो राजकुमार राव को पहला ब्रेक फिल्म रन से मिला, लेकिन इसमें वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके बाद उन्होंने लव सेक्स और धोखा और रागनी एमएमएस जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म काई पोचे से मिली। इसके बाद राजकुमार राव ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और खुद के बल पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। राजकुमार राव के लिए सफलता हासिल करना आसान नहीं था। उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा था कि संघर्ष के दिनों में मैं 7,000 रुपए किराया दिया करता था, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा था। मुझे यहाँ रहने के लिए करीब 15,000 से 20,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसी समय मेरे पास मैसेज आया कि मेरे खाते में 18 रुपए बाकी है। उन्होंने बताया कि कई बार भूखे रहने की नौबत भी आई। राजकुमार राव ने बताया था कि पैसों की तंगी के चलते उनके अध्यापक ने 2 साल तक उनकी फीस भरी थी। मुंबई आकर उन्होंने काफी संघर्ष किया। मुंबई में वो अपने दोस्त की बाइक से ऑडिशन देने जाया करते थे। आम जिंदगी जीने वाले राजकुमार राव को नहीं पता था कि अच्छा दिखने के लिए क्या पहनना होता है। इन सब बातों की परवाह किए बिना राजकुमार चेहरे पर गुलाब जल लगा लेते थे और सोचते थे कि इससे वो अच्छे दिखने लगेंगे। आज राजकुमार राव अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फेमस है और कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार का दिल एक्ट्रेस पत्रलेखा पर आया। दोनों की लव स्टोरी फिल्म लव सेक्स और धोखा के सेट पर से शुरू हुई। चुपचाप रहने वाले राजकुमार राव ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन पत्रलेखा हमेशा अपने रिश्तों को लेकर बात करती दिखाई देती हैं। एक इंटरव्यू में पत्रलेखा ने बताया था कि मैंने पहली बार राजकुमार राव को लव सेक्स और धोखा में देखा था तो मुझे लगा ये कैसा अजीब सा लड़का है। वहीं पत्रलेखा को पहली बार देखते ही राजकुमार ने मन बना लिया था कि वो उससे ही शादी करेंगे। बाद में दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो पत्रलेखा को समझ आया कि राजकुमार कितने अलग और प्यारे हैं। फिल्म सिटी लाइट में दोनों ने एक साथ काम किया। इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर की खबरें सुनने को मिलने लगी। एक इंटरव्यू में पत्रलेखा ने बताया कि राजकुमार उनसे मिलने के लिए जब आते थे तो अधिकतर लेट हो जाते थे, लेकिन एक बार वो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। उन्होंने कैब को एयरपोर्ट के पास रोक दिया और पैदल जुहू के लिए भागे, जो कि वास्तव में दिल चुरा लेने वाला मोमेंट था। आगे पत्रलेखा ने कहा कि राजकुमार राव के पास जब ज्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने मेरे लिए एक महंगा डिजाइनर बैग गिफ्ट किया। विदेश यात्रा के दौरान मेरा वो बैग चोरी हो गया था, मैं काफी दुखी थी। मैंने इसके बारे में राजकुमार राव को बताया। मैं घर जब वापस लौटी तो घर में उसी तरह का बैग रखा था। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।